एवरीवन, दोस्तों क्या आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है? आपके पास भी कोई इस तरह से ईयरबड या कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन है जो बार बार आप डिसकनेक्टेड हो जा रहा है? आप कभी भी कोई वीडियो देख रहे हो या कोई भी ऑडियो सुन रहे हो और बार बार आपका हेडफोन जो है डिसकनेक्टेड हो जा रहा है? तो दोस्तों इस वीडियो को अवश्य से देखिएगा, लास्ट से देखिएगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं इसमें तीन चार तरीके बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोगों का एडुटेक रिजल्ट में स्वागत है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और इसमें चार पांच वीडियो मतलब चार पांच तरीके बताऊंगा। इसमें से कोई ना कोई एक तरीका जरूर आपके मोबाइल पे काम करेगा, तो आप कोई सा भी ट्राई कर लीजिएगा। इसमें देखिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि कौन सा मोबाइल फ़ोन है और कौन सा ईयरबड फ़ोन है या कोई ईयरबड है, ठीक है। मतलब ब्लूटूथ हेडफोन होना चाहिए कोई सा भी, चाहे वो ईयरबड हो चाहे नेक वाला हो, ठीक है, और दूसरा मोबाइल फ़ोन भी कोई सा भी हो, तरीका सबका सेम रहेगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को अगर बार बार इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है तो रीस्टार्ट कर लीजिएगा, और ऑब्वियसली कि रीस्टार्ट से नहीं हुआ होगा तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पहला तो मैं यही कहूँगा आप रीस्टार्ट करके एक बार देख लीजिएगा। रीस्टार्ट कैसे करते हैं, आप पावर बटन को दबाइएगा, इस तरह से रीस्टार्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। और दूसरा वाले में क्या है, आपको सेकेंड ऑप्शन जो है, दूसरा तरीका जो है, उसमें आपको क्या करना है वो जान लीजिए। उसमें दूसरे ऑप्शन में क्या करना है, आपको अपने स्क्रीन पे जो आपका ब्लूटूथ का ऑप्शन आता है दिख रहा होगा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ऑन कर रखा है, तो इसको अगर ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर लेना है। और आप अपने मोबाइल फ़ोन में देखिए जिससे इस तरह से आ रहा है, तो पेयरिंग कर लीजिएगा भाई। मैं अपना ब्लूटूथ हेडफोन खोल ले रहा हूँ, अब ईयरबड खोल लिया, इसे कनेक्टेड हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये देखिए कनेक्टिंग कनेक्शन का भी ऑप्शन आ रहा है, और इसमें देखिए की और मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, जिसे इसको क्लिक करिए कैसे ऑप्शन आएगा वो देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले तो इसको आप पेयरिंग कर लीजिएगा, या आप नहीं पेयरिंग करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर क्या है इसको क्लिक कीजिए रही है, इसको फिंगर रखे रहेंगे, इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। जब ऑप्शन आएगा तो आप देख सकते हैं, जैसे मेरा क्या है ओप्पो का है, तो ओप्पो इनको W11 था, राइट। तो इसमें दूसरा ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेटिंग है, मैं सेटिंग में गया, राइट, अब क्लिक कर दिया मैंने सेटिंग को, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको नीचे, मैंने रीनेम, राइट। देखिए यहाँ पे आप रीनेम भी कर सकते थे, और अनपेयर का भी ऑप्शन दिख रहा होगा, ये मतलब ये सब ऑप्शन आप क्लिक करके एक बार देख लीजिए। पहले अनपेयर कर लीजिएगा, ये हो या इसको आप दूसरा ऑप्शन भी मार सकते हैं, तीसरा में आप रीनेम कर लीजिएगा, राइट। चलिए मैं रीनेम करके आपको दिखा देता हूँ। तो रीनेम जैसे ओप्पो है तो मैं सिर्फ ओप्पो कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओनली ओप्पो कर दे रहा हूँ, ओप्पो बर्ड्स, ठीक है, कुछ भी लिख दे रहे हैं आप, इस तरह से कुछ भी नाम जो है रीनेम कर लीजिएगा। अब उसके बाद जो है कनेक्शन करा जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से मैं कनेक्ट करवा के देख रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैं कनेक्ट हो गया है, राइट। तो आप समझ गए होंगे, मतलब जब भी आप इसको करना होगा तो आप ब्लूटूथ पे भी हाथ रखिएगा, इस तरीके से आपका नाम के आगे सेटिंग आ जाएगा, ठीक है। तो सेटिंग पे ही क्लिक करके करना रहेगा, राइट। इस तरह से आप ये वाला काम कर लीजिएगा, दूसरा ऑप्शन जो मैंने बताया, और दूसरा में ही आपको मैंने सब बता दिया यहाँ पे। अनपेयर करके देख लीजिएगा एक बार, वापस से कनेक्ट करके देख लीजिएगा, रीनेम करके देख लीजिएगा, और उसके बाद आप मोबाइल को चाहे तो रिस्टार्ट कर लीजिएगा, आप मत करिएगा। हालांकि कभी भी कोई प्रोसेस किया जाता है तो रिस्टार्ट करना ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप इसको करने के बाद एक बार रिस्टार्ट कर लीजिएगा मोबाइल को, उसके बाद कनेक्ट कर लीजिएगा, तो ये आपका अब ईयरबड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये दो तरीका मैंने आपको बता दिया, अब तीसरा ऑप्शन चलते हैं, राइट। मैं तीसरा अभी बताने जा रहा हूँ आपको, देखिए ध्यान से। जो तीसरा तरीका है उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आप सबसे पहले अपना जो ये आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन बार बार जो होता है, आप इसको स्क्रॉल डाउन करके आप सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप्स दिखेगा, राइट। तो ऐप्स में चले जाइए आप, यहाँ पे ऐप जो मिलेगा उसमें ढूंढ लीजिएगा। देखिए ऐप ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, आप मोबाइल में ऐप आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है, तो ऐप ढूंढ लीजिएगा, और उसमें आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन ढूंढना रहेगा। तो उसका तरीका बहुत सारा है, आपके यहाँ पे दिख रहा होगा सर्च का ऑप्शन, मैं वहाँ से भी सकता हूँ, या फिर डायरेक्ट आप इसे धीरे ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम आपको दो तरीका दिखा देते हैं, यहाँ से आप इस तरह से ढूंढिएगा, हालांकि टाइम लगता है, तो आप यहाँ सर्च कर लीजिएगा। मैं ब्लूटूथ डाल देता हूँ, ब्लूटूथ, ठीक है, ब्लू टूथ। देखिए के लिए या तो आप इसका डाउन करके देख लीजिए, या फिर यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आता है, आप यहाँ से ब्लूटूथ टाइप कर लीजिएगा। देखिए मेरे डिवाइस जो है मेरा सैमसंग 822 है, इसमें ये ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है, हो सकता है किसी से नहीं मिल रहा। अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कहाँ पे मिलता है, मैंने ऐप में ढूंढ लिया, मिल नहीं रहा है, राइट। तो कोई बात नहीं, अगर आपको आपको अपने डिवाइस में अगर ब्लूटूथ का ऑप्शन दिख जाता है तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मान लीजिए इसमें एक ऑप्शन है, मैं कोई ऐप खोल के दिखा दे रहा हूँ, आपको क्या करना रहेगा, जैसे कोई भी एक ऐप मैं दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे एयर रजिस्ट्री में, राइट। तो इसमें आप चले जाइए, मैं कोई सा भी एक ऐप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे है आपको स्टोरेज, स्टोरेज में जाएंगे तो आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन आएगा, राइट। तो यहाँ पर सबसे नीचे दिख रहा होगा, इसी तरह से आपको ब्लूटूथ का क्लियर करना रहेगा, राइट। यहाँ पर डिलीट कर दीजिएगा, आपका ओके हो जाएगा। तो मैं इसे जैसे क्लियर करके दिखा देता हूँ, यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ पर देखते हैं जीरो आ गया। तो इस तरह से आप क्लियर करके अपने ब्लूटूथ को रीसेट कर सकते हैं। अगर नहीं है, अब देखिए जिस तरह से मेरे डिवाइस में ब्लूटूथ नहीं मिल रहा है तो क्या करना है, या फिर अगर आप ब्लूटूथ मिल तो गया है लेकिन काम फिर भी नहीं कर रहा है, तो तब भी आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, ब्लूटूथ का ऑप्शन
अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए मैं उसको भी दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है ब्लूटूथ, राइट। मैंने ब्लूटूथ टाइप कर लिया है। इसमें सबसे पहला है, कोई भी दिख रहा है आप, कोई सा भी एक ब्लूटूथ डिवाइस मैनेजर या कोई सा भी आप ना डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके मोबाइल फ़ोन में एक ब्लूटूथ का ऐप आ जाएगा, राइट। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद कनेक्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। अब ये ओपन होने के बाद मैं इसको अभी अपने डिवाइस से कनेक्ट करके दिखाऊँगा, राइट। कनेक्ट कर लेते हैं अभी। इसमें इस तरह से देखिए परमिशन मांगेगा तो आपको इसको यस करना पड़ेगा। अब देखिए ये सब ऑप्शन आ रहा है आपका ब्लूटूथ स्पीकर, ये ऑन कर चुका है। अब मैं यहाँ से अपना जो डिवाइस है मेरे पास जो ईयरबड है, मैं उसको ओपन कर दे रहा हूँ। अब ये कनेक्ट कर लेगा, राइट। तो यहाँ से मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अभी मैं यहाँ से फाइंड डिवाइस कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो व्हाइल यूजिंग ऐप कर दीजिएगा। अब यहाँ से मैंने कर दिया है, अब देखिए क्या आ रहा है ऑप्शन। तो देखिए ये मैं फाइंड अभी कर रहा हूँ वापस से, ये फाइंड हो जाएगा थोड़ी देर में। दोस्तों डिस कनेक्शन हो चुका है। क्या बोला आपने, मतलब अभी भी आपका सॉल्व नहीं हुआ? तो दोस्तों एक लास्ट में ट्रिक बताऊंगा या फिर लास्ट प्रॉब्लम बताऊंगा जिसकी वजह से अभी भी आपकी प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं हुई होगी, वो ये है सकती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके मोबाइल में किसी तरह का कोई स्मार्ट बाइक या स्मार्ट व्हीकल कोई भी हो, टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, अगर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसमें सपोर्ट करता है और उसका ऐप अगर आपने भी अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हो, तो दोस्तों यह प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। इसका मतलब ये कि पहले तो आप अपने मोबाइल में अगर इस तरह का कोई भी, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास भी जैसे कि मैंने दिखाया है सुजुकी, ये मैंने ऐप इंस्टॉल किया हुआ है बर्गमैन का, राइट। सुजुकी बर्गमैन आपको पता होगा जो ब्लूटूथ लगा होता है, तो मैंने भी इंस्टॉल किया हुआ था, तो बार बार डिसकनेक्टेड हो रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको पूरा वीडियो बनाया उसमें सब कुछ दिखाया, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, राइट। लेकिन जब मैंने इस ऐप को अनइंस्टॉल मारा, ठीक है, बाहर निकाल दिया, तब जाके मैंने देखा कि मेरा जो ईयरबड है या ईयरफोन है बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा था। इसका मतलब ये कि एक बार आप भी ट्राई करिएगा, इससे क्या होगा कि आपको पता तो चल जाएगा ना कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो जब आप इसको दोबारा से इंस्टॉल कीजिएगा, उसमें एक जैसे जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो इसमें परमिशन मांगता है, राइट। तो इसमें लिख के आता है कि ऑल टाइम कनेक्टिविटी, राइट, इस तरह से कुछ आता है, या फिर ओनली व्हेन ऐप इज ओपन। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जब ऐप आपका ओपन होगा तभी आपका ये आपके डिवाइस से कनेक्टेड होगा, मतलब आपके बाइक से कनेक्टेड होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कनेक्ट कर दिया कि ऑलवेज ब्लूटूथ ऑन मोड में रहेगा, तब ये समस्या आती है। तो इसका मतलब ये है कि पहले आप अपने इस ऐप को, कोई भी ऐप अगर आपने स्मार्ट बाइक का अगर इंस्टॉल कर रखा हो या किसी भी टूल्स का, आजकल बहुत सारे ऐप्स आ रहे हैं, मतलब जो आपके मोबाइल में आपने इंस्टॉल किया हो और किसी कनेक्ट ब्लूटूथ के जरिए आप कोई डिवाइस कनेक्ट कर रहे हो, तो उससे भी हो सकता है। तो आप इस तरह से कोई भी एक जो भी ऐप इंस्टॉल किया हो तो उसके बाद अनइंस्टॉल मारिएगा, उसके बाद चेक कर लीजिएगा कि आपका डिवाइस काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर करने लगा इसका मतलब शायद उसी वजह से हो रही है, तो उसके बाद आप सेटिंग में जाके उसको जब दोबारा से आप इंस्टॉल करिएगा, तो उसको आप परमिशन देते समय ओनली अलाउ व्हेन ऐप इज ओपन, ठीक है, इस पर क्लिक करिएगा, तब हो जाएगा आपका। तो आशा करता हूँ कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया। अगर मुझे नहीं लगता कि अब इसके अलावा कोई भी ऑप्शन बचा हो, अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ बचा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइएगा, ताकि बाकियों की सपोर्ट हो सके इसके जरिए। और अगर कुछ अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही तो बताइएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ठीक है। ओके दोस्तों, रखते हैं आप ये वीडियो एक साथ करते हैं, काफ़ी वीडियो बड़ी हो गई है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।